सभी का फिन 10 में आप देख रहे हैं नेशन मिरर और आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ शेयर मार्केट अपडेट के साथ। शेयर मार्केट में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स आज 1769 पॉइंट्स और निफ्टी 50 आज 547 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज हुई इस गिरावट के कारण निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बात करें निफ्टी बैंक मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की तो 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई के सभी इंडेक्स सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी, ऑटो और इंफ्रा के इंडेक्स में दर्ज की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सोना और चांदी के दाम नवरात्रि के पहले दिन अपने ऑल टाइम हाई पर। आज सोने का भाव अपने उच्चतम स्तर पर ₹75762 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत ₹90930 प्रति 1 किलो पहुंच गई है। जानकारों के अनुसार आने वाले समय में भी सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। फिनटेक में तीसरी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। हालांकि ईरान और इसराइल के जो मिसाइल अटैक के हमलों के बाद क्रूड ऑयल की जो सप्लाई में असर पड़ा है। बात करें आने वाले समय की तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो भारतीय इकोनॉमी के लिए काफी ये मुसीबत के सबक हो सकता है। अगली खबर शेयर मार्केट से, जहां शेयर मार्केट में गिरावट की वजह 5 अगस्त 2024 के बाद बाजार में यह सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। गिरावट की मुख्य वजह जो विशेषज्ञों के द्वारा बताई जा रही है वो है ईरान इसराइल के बीच का मिसाइल अटैक। बढ़ता तनाव देखते हुए FILS जो कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का बेहतर वैल्यूएशन की वजह से चीन की तरफ बढ़ता रुझान है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। US यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चुनाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। वहीं फ्यूचर एंड ऑपरेशन दैट इज FNO पर SEBI द्वारा उठाए गए नए नियम। पांचवी खबर, जहां RBI कमेटी में बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार ने बदलाव किया है। इसमें श्री नागेश कुमार, श्रीमती सौगत भट्टाचार्य एवं श्री राम सिंह को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा कमेटी में RBI के गवर्नर श्री शशिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर श्री माइकल पात्रा एवं एग्जीक्यूटिव गवर्नर श्री राजीव रंजन शामिल हुए। श्री नागेश कुमार इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं। श्रीमती सौगात भट्टाचार्य अर्थशास्त्री एवं श्री राम सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। अगली खबर, सुजलॉन एनर्जी के शेयर प्राइसेस में भारी गिरावट। देश की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर प्राइस में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। बात करें शेयर के प्राइसेस की तो ₹76.74 के मुकाबले ₹75.75 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार कंपनी को SEBI से नोटिस मिला है जो डिस्क्लोजर नियमों को समय पर पूरा न करने की वजह से है। फिनटेक में सातवीं खबर क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। इसकी मुख्य वजह ईरान इसराइल के बीच बढ़ते तनाव को बताया जा रहा है। बिटकॉइन, सोलाना, BNB, डॉनकॉइन, कार्डोनो और एवलांचे सभी क्रिप्टो करेंसी में बीते 24 घंटे में भारी गिरावट दर्ज की गई। फिनटेक की अगली खबर, जहां SEBI का नॉमिनेशन पर नया नियम सामने आया है। SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स और डीमैट के नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव किए हैं। अगर बात करें नए नियमों की तो नए नियमों के अनुसार अब नॉमिनीज की संख्या 10 तक हो सकती है। आपको बता दें कि पहले यह संख्या 3 थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादा नॉमिनीज होने के कारण मुश्किलों की संभावनाएं ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से ज्यादा मामले उलझेंगे और ऐसे मामले कोर्ट में पहुंच सकते हैं। अगली खबर फिनटेक में, जहां पासपोर्ट एप्लीकेशन पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के कई छोटे शहरों में पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए अब लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पासपोर्ट कार्यालय ने लोगों तक पहुंचने के लिए मोबाइल वैन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यह एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए आपको अपने कस्बे या ऑफिस में स्वयं आएंगे। बात करें स्कीम की तो स्कीम के तहत न्यू एप्लीकेशन या रिन्यूअल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया जा सकेंगे। फिनटेक में आखिरी खबर गूगल पे से। गूगल पे पर गोल्ड लोन। गूगल पे अब अपने यूजर्स को गोल्ड लोन प्रदान करने जा रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गूगल पे अब अपने यूजर्स को गोल्ड लोन प्रदान करेंगी। इसके लिए गूगल ने मुथूट फाइनेंस से कोलैबोरेट किया है। हालांकि अगर बात करें गोल्ड लोन लेने की जो प्रोसेस रहेगी
इस पर कंपनी ने अभी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। बात करें गोल्ड लोन पर मैक्सिमम लिमिट की तो 5 लाख रुपए, जी हाँ 5 लाख रुपीज जो है वो मैक्सिमम लिमिट होगी गूगल पे पे गोल्ड लोन की। फिनटेन इज साइनिंग ऑफ एंड ऑलवेज रिमेम्बर सेफ इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज हैप्पी इन्वेस्टिंग। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ शिमरर।